राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अनेकता में एकता और बहुसंस्कृतिवाद के भारतीय संस्कृति के मूल्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इस समय असहिष्णुता का माहौल है और इससे निपटने के लिए विविधता के बीच एकता स्थापित करने वाली भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दोनों देशों से अपील करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान बातचीत की पहल करें। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर निशान साधते हुए कहा है कि लालू केजरीवाल की गले मिलने वाली तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक, पार्टी के नए संयोजक पर भी हो सकता है फैसला, केजरीवाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। रैमली की तरह कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, भारत आसियान सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत आसियान स्वाभाविक पार्टनर हैं, हमारा संबंध हमारे देशों और क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जारी रहेगा, तो पीएम ने कहा है और ये भी कहा कि 21वीं सदी एशिया की है और आसियान देशों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कहता हूं। पीएम ने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता अच्छी नीतियों का परिणाम है, IMF और विश्व बैंक ने इस साल और आने वाले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदें जाहिर की हैं। पीएम ने कहा कि GDP बढ़ी है, मुद्रास्फीति कम हुई है, FDI बढ़ी है, चालू खाता का घाटा कम हुआ है, ब्याज दर कम हुए हैं और कर से मिलने वाला राजस्व बढ़ा है और रुपया स्थिर हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिंजो अबे से मुलाकात की, हालांकि इस दौरान जो तस्वीर के सामने आई उसमें भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया है, सम्मेलन में तिरंगे को उल्टा करके लटकाया गया था। कुआलालंपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के पीएम से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी और चीन के पीएम के साथ एक बैठक की जिसमें दोनों के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो आतंक के साए में आसियान की बैठक हो रही है, IS ने मलेशिया में 10 बॉम्बर भेज दिए हैं जिसको लेकर यहां एक्स्ट्रा अलर्ट रखा गया है। सोशल मीडिया के साथ ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 1.5 करोड़ के भी पार पहुंच गई, बीते एक साल में मोदी के फॉलोअर्स की संख्या में रिकॉर्ड तेजी आई है। इस बार साल 2016 के गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद भारत के मेहमान होंगे, गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता भेज दिया गया है। मथुरा के कार्यक्रम में जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कहा कि बीफ के 95% व्यापारी हिंदू हैं, ये खाने का मामला है, धर्म से जुड़ा नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, बादल ने कहा है कि कांग्रेस पंजाब में आतंकवाद फैला रही है, आतंकियों से कांग्रेस की सांठगांठ है, देश को 80 के दशक में ले जाना चाहती है कांग्रेस, कांग्रेस ने खालिस्तान का समर्थन किया। कांग्रेस has created a Mahagathbandhan with terrorist organizations, separatist organizations, just for the political gains. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है, नीतीश ने दफ्तर पहुंचकर पहली कैबिनेट की बैठक ली और अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ कनीरा की सेल्फी पर विवाद खड़ा हो गया, कांग्रेस का कहना है कि राज्य में किसान खुदकुशी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अभिनेत्री के साथ सेल्फी ले रहे हैं, आपको बता दें कि करीना यूनिसेफ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। देश में सम्मान लौटाने वालों पर अभिनेत्री करीना कपूर ने कहा है कि पुरस्कार वापसी किसी समस्या का हल नहीं है, इसमें खुद को शामिल करने के बजाय हमें इस मुद्दे का समाधान खोजना चाहिए। दिल्ली की एक कोर्ट ने चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि वो स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज पेश करें, आरोप है कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। बाबर रामदेव का आटा नूडल विवादों में घिर गया, FSSAI ने इजाजत नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया है और कहा है कि लाइसेंस नहीं लिया गया प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, लेकिन नूडल्स पर बचे बवाल पर बाबा रामदेव का कहना है कि हमने FSSAI के सभी नियमों को पूरा किया है। शीना मर्डर केस में CBI ने खुलासा किया है कि इंद्राणी ने शीना का गला घोटा था, संपत्ति के विवाद को लेकर की गई थी शीना की हत्या। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी पर लगे आरोपों पर पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी का कहना है कि उसके पिता पर लगे आरोप विश्वास करने योग्य नहीं है।
माली में होटल पर आतंकी हमले में 27 की मौत हो चुकी है और सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया है और सारे भारतीय नागरिक सुरक्षित। कॉरपोरेट जगत को केंद्र ने तोहफा देने की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर कॉरपोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 25% करने का खाका पेश किया गया। नगर के बाहरी छोर पर स्थित लावापोरा इलाके में बीकनहर्ट्स के नजदीक एचएमपी नारबल रूट पर सीआरपीएफ ने आईईडी बरामद किया है। पहले नजर में ऐसा लग रहा है कि इलाके में तैनात सुरक्षाकर्मी निशाने पर थे। दिसंबर में भारत पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज होना तय हो गया है। बीसीसीआई पीसीबी के बीच समझौता हुआ है। मुलायम सिंह यादव अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर 76 किलो का केक काटा। अपने जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह ने कहा कि मेरी जगह किसी गरीब का जन्मदिन होता तो मुझे अधिक खुशी होती। गरीब का अगर जन्म सुना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यदि गरीब का जन्म सुना जाएगा तो आप खुद ही हम कहेंगे हमारा जन्म घर सुना। मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर कई खास मेहमान सैफई पहुंचे थे जिनमें अमर सिंह जयप्रदा भी शामिल थे जिनका नेताजी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलायम सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने हाथों से अपने पुराने साथी अमर सिंह को केक खिलाया और इस दौरान एक बार फिर से आजम खान की नाराजगी देखने को मिली। वो यहां नहीं पहुंचे थे। अपने छोटों की गलती को विसार के अपने साथियों के अवदान को स्मरण सुमिरन करके सबको एक सागर की तरह छोटे छोटे नदी नालियों को अपने अंदर समाहित होने का अवसर देता है। ऐसे व्यक्तित्व को सरसत नमन प्रणाम। मुलायम सिंह के साथ समाचार प्रेस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार भी थे। उमेश कुमार जी ने मुलायम सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन पर मिल रहे प्यार पर मुलायम सिंह ने आभार जताया। नेताजी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव का प्रकृति प्रेम दिखा। मुख्यमंत्री ने शिवपाल और रामगोपाल यादव के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। ग्रीन यूपी की थीम पर काम कर रही यूपी सरकार कई वृक्ष लगा चुकी। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या के मौके पर राज्य ने इतिहास रचा। विश्व में पहली बार किसी राज्य को पर्यावरण बचाने के लिए किए गए वृक्षारोपण के लिए सैफई में हुए भव्य कार्यक्रम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसका प्रमाण पत्र दिया है। सैफई में नेताजी के जन्मदिन पर संगीतकार ए आर रहमान ने अपने सुरों से समा बांध दिया और कार्यक्रम में आए लोगों ने संगीत का जमकर आनंद लिया। सैफई में सपा सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर अलग अलग प्रदेशों के आए स्थानीय कलाकारों ने भी यहां अपनी संस्कृति की छटा बिखेरी। पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी और बिहार के कलाकारों ने एसपी सुप्रीमो के जन्मदिन पर अपनी अपनी प्रस्तुति दी। मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर दुल्हन की तरह सजी है सैफई और महिलाओं ने गीत संगीत गाकर एसपी सुप्रीमो की लंबी उम्र की कामना की। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने यहां लोगों को लड्डू बांटे। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को लेकर सैफई के रास्तों को सजाया गया। गुब्बारे झंडे फूलों से रास्तों को बेहद ही खूबसूरत बनाया गया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश का कहना है कि मुलायम सिंह भारतीय राजनीति के केंद्र हैं और वो जेपी और लोहिया के बाद सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने सियासत में नई राह अपनाई है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर मेरठ में कार्यकर्ताओं ने कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर ने किया। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक में मनवर नदी पर बने लकड़ी के पुल पर देश की आजादी के बाद भी लोग आज जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। ये लकड़ी का पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कुशीनगर में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस जानलेवा बीमारी के बारे में प्रचार प्रसार के बावजूद लोग यहां पर जागरूक नहीं हो रहे। भारत नेपाल सीमा से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व में अधिकारियों की लापरवाही से बेजुबानी नहीं बल्कि पर्यटन सत्र में दुधवा आने वाले पर्यटकों की भी जान मुसीबत में पड़ रही है। सहारनपुर में एक चलती बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला नगर कोतवाली के श्रीराम चौक घंटाघर का है। बाइक में आग लगने से यहां काफी अफरातफरी मच गई। हापुड़ के एक गांव में बंद पड़े मकान में रहस्यमय जानवर के अवशेष मिले हैं। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। देखने के लिए यहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है।
हरदोई में SC ST आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया ने बलात्कार पीड़िता पर दिए गए आजम खान के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव को आजम खान के बयान का संज्ञान लेना चाहिए। फरुखाबाद में नवल डॉन राजेंद्र सदाशिव मुखर्जी उर्फ छोटा राजन के प्रत्यर्पण के बाद सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में बंद उसके गुर्गे फिरोज और सुभाष ठाकुर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिरोज को सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरिक में शिफ्ट किया गया है। फिरोज और सुभाष ठाकुर से मुलाकात करने वालों की नियमित रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी कुंड के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला है। पुलिस इसके बाद आगे छानबीन में जुट गई है। मथुरा की पौष कॉलोनी डैम्पियर नगर में एक व्यापारी ने लेन देन के दबाव के चलते खुदकुशी कर ली। व्यापारी की मौत के बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज में हड़कंप मचा दिया जिसमें व्यापारी ने अपने पूरे परिवार को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। संत कबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के भुअरिया गांव में गन्ने के खेत में अज्ञात युवती का शव मिला है। लड़की के शरीर पर कई जगह जलाए जाने के भी निशान है। संभल के नखासा थाना इलाके में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसके ससुर ने की थी। मृतक शराबी था और कई मामलों में जेल जा चुका था। फिरोजाबाद में घर में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब दुल्हन के भाई की शादी से दो दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो गई। फरुखाबाद पुलिस ने ट्रैक्टर लूटने वाले गिरोह को दबोचा है। इनके पास से ट्रैक्टर, बोलेरो, तमंचे, कारतूस बरामद हुए। मुखबिर की सूचना मिलने पर कोटिया चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान ये लोग पकड़े गए। गोंडा में एक गांव के लोगों का आशियाना गांव नहीं बल्कि बांध बना हुआ है। इस गांव में लगभग 50 परिवार रहते हैं लेकिन अब तक कोई भी सरकारी अधिकारी यहां इनका सुध इनके हाल लेने के लिए नहीं पहुंचा है। गोरखपुर का ब्रह्मपुर ब्लॉक विकास से कोसों दूर है। ना तो यहां पीने के लिए पानी है, ना ही शौचालय है और इसके अलावा जो जरूरी सुविधाएं होती हैं उनका भी यहां टोटा ही है। मौसम में बदलाव शुरू हो गया है लेकिन सब्जियों के दाम नहीं बदल रहे हैं। खासतौर पर टमाटर और प्याज के दामों ने अब भी लोगों को यहां परेशान कर रखा है। मऊ में दीवानी कचहरी परिसर के बाहर तेज धमाका हुआ। धमाके से कचहरी में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस ने जांच शुरू की। धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बरेली में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं जिसके चलते बरेली के फरीदपुर में हिस्ट्री शीटर इसरार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके शव को बदमाशों ने रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के महरौली गांव में एक मकान में डकैतों का कहर देखने को मिला है। डकैतों ने लोगों को जमकर पीटा जिसमें एक की मौत हो गई और यहां से लूटपाट कर भाग गए। देवरिया कोतवाली क्षेत्र के सकरापार गांव के रेलवे ट्रैक पर एक स्कूली छात्रा का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 29 सितंबर को इलाहाबाद के थरवई थाना इलाके में हुए वकील सत्येंद्र यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें मृतक की पत्नी भी शामिल है। पत्नी ने प्रेमी को हत्या करने के लिए 1 लाख की सुपारी दी थी। बरेली में अपने पति से हुए आपसी विवाद में एक विवाहिता ने आत्मदाह कर लिया। बताया जा रहा है कि विवाद 500 रुपए को लेकर शुरू हुआ और इतना बढ़ा कि युवती ने अपने घर की छत पर खुद को आग के हवाले कर दिया। गोंडा में रिश्वत मांगना डॉक्टर को भारी पड़ा। इलाज में लापरवाही और प्रसव के लिए परिजनों से पैसा मांगने पर अस्पताल में संबद्ध महिला सर्जन डॉक्टर करुणा गुप्ता की संबद्धता समाप्त करते हुए उन्हें उनके मूल जगह मस्कनवा PHC में भेज दिया गया है। देवरिया के लाल थाना इलाके में 2 सगे भाइयों को गोलियों से हमला कर किया गया। घायल होने के बाद एक भाई गनर और दूसरा प्रिंसिपल था। गनर की पत्नी ने प्रिंसिपल की पत्नी और उसके भाई समेत स्कूल के 8 लोगों पर साजिश का आरोप लगाया है। बरेली में खुशबू एनक्लेव में अपने पति से हुए आपसी विवाद में विवाहिता ने आग लगा ली। बताया जा रहा है कि विवाद 500 रुपए को लेकर था। अलीगढ़ जिला जेल में एक कैदी चमन प्रकाश की संदिग्ध हालात में मौत हो गई जिससे नाराज मृतक कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन और पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। बागपत में स्कूली बच्चों को ले जा रही स्कूली बस में आग लगी। ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक जिम पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने जमकर फायरिंग की जिसकी तस्वीरें CCTV में कैद हैं। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में किशोरी को महिला समेत 4 लोगों ने अपहरण कर लिया और उसे गन्ने के खेत में लेकर उसके साथ बलात्कार किया। कानपुर के बर्रा गुजौनी इलाके में कटखने बंदरों के आतंक से निपटने के लिए बच्चे अपने हाथ में डंडे और गुलेल लेकर ही रास्तों पर निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके के लक्सर रोड पर अनियंत्रित 20 टायरा ट्रक पलट गया जिसकी वजह से कई लोग दब गए। हरदोई कोतवाली देहात में आशा गांव में एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अक्सर दोनों के बीच विवाद रहता था।
लखनऊ के चिन्हट इलाके के सथिक रोड पर एसबीआई की ब्रांच में दिन दहाड़े लूट की गई। लुटेरों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली के डल सहिया गांव में ससुराल वालों से नाराज एक विवाहिता ने अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके के निठौरा गांव में कुख्यात बदमाश अनिल पेंद्रा के घर पर लोनी पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन अनिल फरार हो गया। पहली असेंबली के विरोध में इलाहाबाद में लोकतंत्र सेनानियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर में कई दिनों से जनता के हितकर सेवा 100 नंबर खराब पड़ा है और लोगों को यहां किसी तरह की राहत नहीं मिल पा रही। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के कसुआपुर पर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नहर में एक युवक का शव मिला। बलिया के धरहरा गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र के ओबरा इलाके में रेणु नदी के तेज बहाव में जायलो गाड़ी बह गई। गनीमत यह रही कि गाड़ी में कोई सवार नहीं था। बरेली के भबौरा कस्बे में ससुराल में रह रहे युवक का शव पेड़ में लटका मिला है। युवक के परिजनों ने पत्नी के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। कानपुर के रेल बाजार इलाके में 5 साल की मासूम सानिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद स्कूली बच्चों ने मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए एक रैली निकाली। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर वाराणसी के गंगा घाट पर कन्हैया महाराज ने 76 किलो मछली गंगा में छोड़ी, साथ ही गंगा घाट पर पूजा अर्चना भी की। वाराणसी में बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। झांसी में कचहरी से पेशी के दौरान फरार हुए कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस को यूपी में मजबूत करने के लिए राहुल गांधी सहारनपुर से सोमवार को एक पद यात्रा करेंगे जिसको किसान मजदूर संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। अयोध्या में रामलला को नया वाटर और फायर प्रूफ तिरपाल से ढका जाएगा जिसको लेकर करीब 12 लाख रुपए की लागत आ रही है। अयोध्या में देवोत्थान एकादशी लगते ही पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। मथुरा में कार्तिक माह की अक्षय नवमी के दूसरे दिन गुरु शरणानंद जी महाराज के द्वारा ब्रज 84 कोस की यात्रा का आयोजन किया गया। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में लड़कियों के साथ छेड़खानी का विरोध करना कोचिंग संचालक को महंगा पड़ गया। यहां मंचरों ने कोचिंग संचालक को पीट दिया। मऊ थाना कोतवाली के भीटी निवासी अधिवक्ता रमेश शर्मा के घर में जबरदस्ती पुलिस ने घुसकर तांडव मचाया। हमीरपुर सादर बस स्टैंड अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया गया है। मुरादाबाद में छात्र अंजलि की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। मृतका के परिजनों को उसके सामान से एक खत मिला है जिसके बाद उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। फतेहपुर में ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नोड्यूज देने के एवज में जिले के अधिकारी उनसे पैसे वसूल रहे हैं। आगरा में मुस्लिम संगठनों ने फ्रांस के शहर पेरिस में हुए आतंकी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। रायबरेली में सिपाहियों के बीच कहासुनी होगी, मामला इतना बढ़ा कि लड़ाई के में कई और सिपाही भी कूद पड़े। हापुड़ के असोड़ा में भरे बाजार नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर फट गया जिससे 3 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई। राष्ट्र जाति के अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को लेकर वाराणसी के सारनाथ स्थित महाराजा सुहेलदेव पार्क में विशाल धरना और सभा का आयोजन किया गया। मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र से मुंबई पुलिस ने ठगी के आरोपी एक बाबा को गिरफ्तार किया है। मेरठ में इंसाफ की गुहार लगाने सैकड़ों लोग कप्तान ऑफिस पहुंचे। सत्ताधारी पार्टी के मंत्री पर थाने में गैंगरेप के आरोपी को छुड़वाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी माइक्रो हाइडल परियोजनाओं और सोलर एनर्जी पर जोर दिया है। श्रीनगर की 330 मेगावाट की अलकनंदा जल विद्युत परियोजना शहर के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। नहर से लगातार रिसाव हो रहा है। पिथौरागढ़ में मानदेय और राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर आशा वर्कर का आंदोलन तेज हो गया है। चकराता में एक और दलित परिवार के मंदिर में प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई गई है, साथ ही यहां मारपीट भी की गई है। रुड़की में आईएस के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। हल्द्वानी की गौला नदी में 2 महीने बाद वैध खनन शुरू हो गया लेकिन इसके साथ ही अवैध खनन भी यहां चल रहा है। उत्तराखंड में 2 साल पहले आई भारी आपदा को देखते हुए रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को भी अलर्ट कर दिया गया है। हल्द्वानी में राज्य सरकार द्वारा खोला गया इंदिरा अम्मा भोजनालय व्यापारियों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है।
अल्मोड़ा में सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में चाय के बागानों को विकसित करने की पहल शुरू की है। इसके लिए अब तक राज्य में 1600 हेक्टेयर के चाय बागान लगाए गए हैं। काराडूंगी कोटाबाग के जंगलों से सटे क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आपदा में अपनी जान की बाजी लगाकर राहत और बचाव कार्य, पुनर्वास, पुनर्निर्माण कार्य करने वाले जवानों को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सम्मानित किया। देहरादून में चाय बागान को खत्म कर सरकार ने देहरादून स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की, जिस पर अब सियासत तेज हो रही है। देहरादून के राजकीय संवासिनी निकेतन की 3 संवासिनियों को मेडिकल के लिए महिला दून अस्पताल लाया गया। उत्तराखंड विधानसभा में अकाउंटिंग जर्नल की कार्यशाला का आयोजन किया गया, स्पीकर और सीएम इसमें शामिल रहे। बागेश्वर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने डीएम कार्यालय पर 18 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने से नाराज मलिन बस्ती विधवाओं और विकलांगों ने जुलूस निकाला। चंपावत जिला मुख्यालय में आशा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आवाज उठाई। हटीमा तहसील परिसर में दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने झनकैया क्षेत्र में गंगा स्नान मेले के दौरान अवैध शराब बिक्री रोकने और महिलाओं के लिए स्नान घाट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। केदार घाटी में फैली समस्याओं और शीतकाल में केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य न कराए जाने को लेकर केदार घाटी आपदा संघर्ष समिति का धरना 3 महीने से चल रहा है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी के जिले की कई समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें नगर की सफाई व्यवस्था के लिए सभी 11 वार्डों में सभासदों के साथ एक अधिकारी को सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। लालकुआं के राजकीय इंटर कॉलेज में लंबे समय से अव्यवस्थाओं की शिकायत के चलते श्रम मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। उत्तराखंड राज्य को बने 15 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार अब तक अवैध खनन को नहीं रोक पाए। रुद्रप्रयाग के पिंगला पानी कणीसिल गांव का 20 साल का सतपाल भले ही एक हरिजन गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन छोटी सी उम्र में उसने गढ़वाली काव्य साहित्य में अपनी धाक जमा दी है। कोटद्वार ग्रांसगंज स्थित नलकूप फूकने के कारण यहां के लोगों को भारी पेयजल के संकट से गुजरना पड़ रहा है। देहरादून के नारी निकेतन में चल रहे कुप्रबंधन और कथित दुराचार के मामले में सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सरकार जांच करा रही है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। देहरादून का नारी निकेतन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, गुमनाम पत्र के जरिए शिकायत मिली है और डीएम ने एडीएम को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। दून में कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन में उत्तराखंड पंचायत विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। नैनीताल के कैला खान के पास एक वैगनार गहरी खाई में गिर गई, गनीमत यह रही कि हादसे में लोग बाल बाल बच गए। हरिद्वार में 2016 में लगने जा रहे अर्ध कुंभ मेले की तैयारी को देखते फोर लेन का कार्य तेजी से चल रहा है। रुद्रपुर गल्ला मंडी के सुशीला तिवारी बाजार की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से लाखों का माल जलकर बर्बाद हो गया। हल्द्वानी में शुक्रवार देर रात बाल कैदी रोशनदान का ग्रिल तोड़कर फरार हो गया, जिसके चलते कुमारगंज के डीआईजी ने बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया। रुद्रपुर के जिला चिकित्सालय सभागार में डीएम अक्षत गुप्ता ने चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक की। डीएम ने कहा कि हम जिला चिकित्सालय को मॉडर्न चिकित्सालय बनाना चाहते हैं। काशीपुर में एसएसपी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही मौके पर उसका निस्तारण भी किया। नैनीताल में जिला पंचायत की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा की गई। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी के फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप पर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि ये डायरेक्टर भंसाली के नजरिए से दिखाई गई कहानी है। शाहिद कपूर उनकी पत्नी मीरा राजपूत ने डिजाइनर मसाबा गुप्ता की मेहंदी सेरेमनी अटेंड की। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और रिलीज होते ही ये हिट भी हो गया है। करण सिंह देओल को यशराज बैनर से लॉन्च करने की खबरें थी, लेकिन अब सनी देओल ने कहा है कि वो खुद अपने बेटे को निर्देशित करेंगे। अनुपम खेर जल्द ही जेरार्ड बल्टर के साथ एक फिल्म में काम करेंगे, इसमें अनुपम डॉक्टर की भूमिका में नजर आएंगे। सोनम कपूर कई सारे अन्य निर्देशकों के साथ काम करना चाहते, सुजीत सरकार, श्रीराम राघवन, भंसाली, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राम माधवानी और आनंद राय इसमें शामिल हैं। शबाना आजमी जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्पेक्ट्रम के में सीन्स को काटने और सेंसर बोर्ड के फैसले को मनमाना बताया। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्पेक्ट्रम से कुछ दृश्य काटे गए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई है।
विद्या बालन मराठी बायोपिक एक अलबेला में पुराने जमाने की एक्ट्रेस गीता बाली का रोल करेंगी। फिल्म में विद्या का पहला लुक जारी किया गया है। अर्जुन कपूर जल्दी टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के आगामी सीजन में नजर आएंगे। अर्जुन इस सीजन के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हैं। फिल्म दिलवाले के पहले रोमांटिक गाना गेरुआ को बुधवार को दुनिया के 62 देशों में एक ही समय पर जारी किया गया था। इस गाने के वीडियो को फेसबुक पर 16 लाख और यूट्यूब पर भी इतने ही लोगों ने देखा है।